मुरादाबाद में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर खादी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। मुरादाबाद के दीनदयाल नगर स्थित नेहरू युवा केंद्र में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विधायक प्रतेश गुप्ता, MLC गोपाल अंजान, जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर शेफाली सिंह द्वारा संयुक्त रूप से खादी महोत्सव का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। बताया जा रहा है कि खादी महोत्सव 2021 का आयोजन 29 नवंबर से शुरू होकर 8 दिसंबर तक यहां पर जारी रहेगा। भारत के कई प्रदेशों की कलाकारी को यहां पर दर्शाने के लिए काम किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि खादी को बढ़ावा मिले और सभी लोग अपने देश में बनाई हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करें। जो प्रदेश सरकार द्वारा जो स्वरोजगार योजनाएं बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए चलाई जाती हैं प्रदेश में, उनके द्वारा जो इकाई के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको बिक्री में प्रोत्साहन देने और प्रचार प्रसार के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे प्रदेश से इकाइयाँ आई हैं, बिहार से, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और भी प्रदेशों से, और बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन है। ये एक्चुअली बहुत छोटी एग्जीबिशन थी, 30 इकाइयों की मंडल स्तरीय एग्जीबिशन थी, लेकिन हमने इसको राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया है और 74 इकाइयाँ यहाँ इस समय हमने लगाई गई हैं। और अभी भी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं बाहर से इकाइयाँ हम यहाँ लगाने के लिए, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर और जरूरत पड़ेगी तो हम 2-4-6 इकाइयाँ और बढ़ा देंगे। फिर नगर विधायक प्रतेश गुप्ता ने सिरी चैनल से बात करते हुए कहा कि आज इस खादी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और मैं सभी मुरादाबाद नागरिकों से अपील करता हूं कि वे एक बार इस प्रदर्शनी में आकर इन सभी चीजों को देखकर सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करें। मुरादाबाद में खादी ग्रामोद्योग शाम को बच्चों के साथ विभाग की तरफ से एक मंडलीय प्रदर्शनी यहां लगाई गई है, जिसमें पूरे मंडल के जो दुकानदार हैं उन्होंने अपने यहां पे स्टॉल्स लगाए हैं। अमृत महोत्सव, 75वां अमृत महोत्सव पूरा भारतवर्ष मना रहा है, इसी कड़ी में आज ये प्रदर्शनी लगाई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मंडल स्तर की प्रदर्शनी ना होके इसमें मंडल से बाहर, प्रदेश से बाहर के लोगों को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। जम्मू कश्मीर से भी लोग यहाँ पे प्रदर्शनी में लोग आए हैं अपना स्टॉल लगाने के लिए। तो मेरी शहर के सब नगरवासियों से अपील है कि वो आए इस प्रदर्शनी में, बहुत अच्छी प्रदर्शनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगाए हैं और इस प्रदर्शनी का पूरा लाभ वो लोग आके उठाएं।